हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे चैनल टेक्नोवेरिटी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स इन वन पी के रियो के बारे में, कि मुझे वो फ़ोन कैसा लगा। मेरे पास का इस वो फ़ोन है जिस है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मुझे ये फ़ोन कैसा लगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरा रिव्यू इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहला मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो यूनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ अपने फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर लेकर जाता हूँ। वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या बग्स हैं, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, कैमरा क्वालिटी, सारी चीज़ मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर लेकर जाने के बाद दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अभी फ़ोन को वीडियो सॉरी जो फ़ोन की डिस्प्ले उसके अंदर अपने कैमरा को ले जा रहा हूँ। तो गाइस, देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अभी अपने फ़ोन की डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ सिंपली पहले तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो वैसे एप्स की बात करूँ तो मुझे इसके अंदर कोई भी ऐप देखने को नहीं मिलती थी। जो अमेजोन अमेजोन एलेक्सा इंस्टाग्राम जितनी भी है सारी मैंने खुद ने इंस्टॉल की है। तो दोस्तों, इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है। ये इस फ़ोन की बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे। ठीक है, अब बात करता हूँ इस फ़ोन के अंदर स्टॉक रोम होने की वजह से एप्लीकेशन तो कोई भी देखने को नहीं मिलती है, बट आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक्स रिकॉर्डर अभी डाउनलोड कर रखा है जिससे मैं अभी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। अब आप ऊपर से व्यू दिखाऊँ तो इस फ़ोन के अंदर ऊपर से इस प्रकार से खुलता है तो ये जो है ठीक है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो बिल्कुल ठीक है। अब आपको बात करूँ अपडेट की, कंपनी ने कहा था कि रेगुलर हम अपडेट देंगे, तो लास्ट अपडेट आप देखोगे तो आपको नवंबर का मिलेगा इसके अंदर। सॉरी, यूजर नेम कॉल थी मैंने। अबाउट फोन के अंदर गया, सिस्टम अपडेट्स पर गया तो यहाँ पर मुझे बताएगा 5 नवंबर 2020 को लास्ट अपडेट आया था। ठीक है, और लास्ट सक्सेसफुल चिप्ट अपडेट मैंने अभी 5 जनवरी को किया था। तो गाइज, अपडेट की बात करूँ तो 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। और बग्स की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बग्स देखने को मिलते हैं। बस पहला बग्स तो ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी इंस्टा पर क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि मैं स्क्रीन के ऊपर बटन्स पर क्लिक करता हूँ तो वो ओपन नहीं होते। जैसे कि अभी ये ओपन हो रहा है तो लेकिन वो ओपन नहीं होते उस कंडीशन के अंदर। तो गाइज, वहाँ एक ये बग्स है, तो उस कंडीशन के ऊपर मुझे क्या करना पड़ता है, नीचे से ऐसे कर स्क्रॉल और क्लियर ऑल, जब मैं क्लियर ऑल करता हूँ तब ये है तो काम करने लगता है। ठीक, तो ये इसके अंदर पहला बग है जो बहुत ही बार देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा कह सकता हूँ मैं, और इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। बट कंपनी जो है अभी तक मतलब जो अपडेट के मामले में बहुत ही पीछे है। जिस प्रकार से अपडेट आने चाहिए इस फोन के अंदर बग्स को देखते हो, उस प्रकार से कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बात करता हूँ कैमरे की, तो गाइज ये मेरा अभी कैमरा आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो पिक्चर की क्वालिटी है गाइज वो तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, ठीक देखने को मिल जाती है। अभी मैं अंधेरे के अंदर बैठा हुआ हूँ बट बिल्कुल ठीक देखने को मिल जाती है पिक्चर की क्वालिटी। अब बात करता हूँ पोर्ट्रेट मोड की, तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। जैसे कि मैं भी आपको क्लिक कर कर दिखाता हूँ पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो बैक कैमरे के अंदर ये यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम लेता है। तो ये इसके अंदर एक बग है जिसको ने बहुत ही जल्दी ठीक करना था कंपनी को, जो ये अभी तक इन्होंने बग ठीक नहीं किए। तो भाई, ये एक बग था, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसने ब्लर किया वो बिल्कुल ठीक किया है साइड से ऊपर से, बट यहाँ पर ये माचिस की डिब्बी थी तो इसकी वजह से इसको पहचान नहीं पाया शायद, उसकी वजह से इसने ठीक से नहीं किया। बट अगर मैं अपनी खुद की पिक लूँ यहाँ पर,
तो ये ठीक से कर देगा ब्लर। जैसे कि अभी मैंने अपनी पिक क्लिक की है, इधर करके अभी मैं पिक क्लिक कर रहा हूँ वो ये रही। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल ठीक तरीके से ब्लर कर रहा है इसको, मतलब कैमरे का जो पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ही बढ़िया है पिक क्लिक करने के लिए। बट अब मैं बात करता हूँ वीडियो क्वालिटी की, तो गाइस वीडियो क्वालिटी इसके अंदर जैसे मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो तो ब्राइटनेस वो बिल्कुल से कम हो जाती है। ऐसा वीडियो क्वालिटी के अंदर देख रहे हो तो अब बिल्कुल से ब्राइटनेस कम हो चुकी है। अगर आप इस फ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार आने वाली है। तो गाइज इसके अंदर यहाँ पर भी नए माइक्रोमैक्स को सुधार करने की ज़रूरत है वीडियो क्वालिटी के अंदर, कि कैमरे क्वालिटी के अंदर तो ठीक है बट जैसे मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे जो ब्लैक कर देता है डिस्प्ले को, ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। आप देखो यहाँ पर अगर मैं आउटडोर में शूट करता हूँ वीडियो तो थोड़ी ठीक ठाक सी आती है, बस इंडोर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज ये था इसकी कैमरे क्वालिटी के बारे में बात। अब ऐप का ओपन होना वो तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, हैंग भी इतना नहीं होता। बस कई बार वो अप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाती है, वही एक इसके अंदर मुझे बग लगा ऊपर से देखने में। और इसके अंदर मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगा वो है कि वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों को मैं एक साथ ऑन कर सकता हूँ। गाइस ये इसके अंदर बग कहो या फिर मतलब बढ़िया फीचर कहो, लेकिन बहुत ही बढ़िया है कि मैं इसको एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जो वाईफाई आ रहा है तो बीच के अंदर इसको मीडिएटर के रूप में भी यूज कर सकता हूँ इस फोन को। ये बहुत ही बढ़िया लगा। तो फीचर वैसे तो आपको पता ही है, बहुत लोगों ने पता है कि ये फ़ोन 2 वेरियंट में आता है, 2 GB RAM 4 GB RAM। तो ये फ़ोन है 4 GB RAM वाला, ठीक है, तो वो भी आपको बता दिया। Android 10 के ऊपर आता है, ये भी आपने बहुत सी वीडियोज़ के अंदर देखा है। जैसे कि यहाँ पर मैं जाकर इसके सिस्टम की बात करूँ तो ये Android 10 के साथ आता है, ठीक है। ये था इसके अंदर, बाकी सारा बढ़िया चल रहा है। कैमरा क्वालिटी की है वो सबसे बड़ा बग मुझे लग रहा है, जो ब्लैक कर देता है स्क्रीन को, दूसरा स्क्रीन के ऊपर ये कई बार आती रुकने लगता है, ये दूसरा सबसे बड़ा बग है इसके अंदर। तीसरा बात करूँ तो इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिला है। चौथा बात करूँ तो जैसे मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो 1032 लिखा हुआ, यहाँ पर पूरी स्क्रीन को ब्लैक कर देता है। ये थोड़ा ठीक ठाक सा है बट इस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये जो ऊपर से स्क्रॉल होता है ये थोड़ा ओल्ड वर्जन का ओल्ड टाइप दिखता है ये ऊपर से, तो इसको भी थोड़ा ठीक किया जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी फ़ोन बिल्कुल बढ़िया है इसी रेट के अंदर, प्राइस रेट के अंदर 8,000 रुपये में आप बिल्कुल ले सकते हो। बट अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हो इस फ़ोन को तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी फ़ोन बहुत ठीक है, मतलब मीडियम यूज़ के लिए। इसके अंदर G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत बढ़िया, छोटे मोटे गेम्स भी इसके अंदर बहुत ही आराम से चल जाते हैं। फ़ोन क्वालिटी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैं अभी आपको सुनाता हूँ। सॉरी मैंने वाईफाई ऑन कर दिया, इस फोन के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और अगर आपको मुझे पर्सनली बात करनी है इस फोन के बारे में कुछ भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है मतलब Sony00 इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हो। अगर मैं अकाउंट दिखाऊँ तो आपको इस प्रकार का ठीक है।
फॉलो नहीं किया तो अभी आप फॉलो कर सकते हो जाकर मुझे। ये है मेरा अकाउंट, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। जितने जो भी मुझे मैसेज करता है मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। तो भाई आपको कोई भी इस फोन के प्रति डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बेझिझक, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।